करना चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा नुकता देखते हैं, मकसद को समझने के बाद मैं समझता हूँ इससे इसकी अहमियत पता चलती है। दूसरा नुकता ये, सदकतुल फित्र, जकातुल फित्र, फितरा और फितराना, ये याद रखिए फर्ज है। ठीक है, ये देना जरूरी है हर उस शख्स के लिए जो दे सकता हो, इसमें कोई कोताही और पीछे नहीं रहना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जब इसका बाब बांधा अपनी किताब में, वो लिखते हैं बाब फर्जी सदकतुल फित्र, वो लिखते हैं कि बाब चैप्टर सदका फितर का फर्ज होना, सदका फितर का कंपलसरी होना, सदका फितर का बिल्कुल ऐसा जैसा फर्ज होना, वो लिखते हैं बाब चैप्टर ही ऐसा खोलते हैं इसका, समझ रहा। तो ये देना जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है, कंपलसरी है, छूट नहीं है, बिना वजह नहीं देंगे तो आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे जिसके लिए तौबा वाजिब होंगी। अगर ना दे तो आप एक हराम काम कर रहे हैं कि एक चीज को आप रोक के रख रहे हैं जो आपका हक नहीं है, मस्कीन और गरीबों का हक है। ये ना सिर्फ हमारे रोजों की कोताहियों को पाक करता है बल्कि इसका देना भी फर्ज जरूरी है, याद रखिए। मतलब एक तो दिया भी जा रहा है और बेनिफिट भी देता है। जकात, जकात का माना होता है पाक करना या इजाफा करने वाली चीज, तो देना फर्ज है, देना भी है और देने के बाद दो बेनिफिट भी मिलते हैं, माल पाक भी होता है और माल इजाफी भी होता है। तो सदकतुल फित्र भी देना है, वाजिब फर्ज है और इसके बेनिफिट भी है दो, एक हमारे लर्जिश और कोताहियां रोजे की खत्म होती, दो मिस्किन खाना खाते ईद के दिन, समझा। तो जरूरी है, तो ये फर्ज याद, इमाम बुखारी ने बाब बांध दिया कि सदकतुल फित्र का फर्ज होना। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा फर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र। हदीस के अल्फाज देखिए शुरू होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फर्ज किया, किस किस पर? आजाद पर, गुलाम पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे और बड़े पर, मुसलमान पर, एक सा खजूर, एक सा जौ बतौर सदकतुल फित्र अदा करना फ़र्ज किया है और इसे लोगों की नमाज से निकलने से कबल अदा करने का हुक्म दिया है। तो इस हदीस में एक चीज़ तो वाज़ है, इसको अदा करना है, ये फ़र्ज है, ठीक है, इसको देना है और सबने देना है। तो मोटे मोटे अल्फाज में बात कर दी गई कि इसको देना है गुलाम को एक तरफ से भी, आज़ाद के तरफ से भी, मर्द के तरफ से भी, औरत के तरफ से भी, छोटों के तरफ से भी और बड़ों के तरफ से भी देना है, और एक सा खजूर या एक सा जौ देना है, ठीक है, और ये देना है नमाज को जाने से पहले। तो यहाँ पता चला ये फ़र्ज है और सबको देना है, याद रखिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था कि इसका फ़र्ज होना, वाजिब होना, कंपलसरी होना कि इसको दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।